नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल, आपके साथ मैं हूँ रीना। पंचांग के अनुसार आज शुक्रवार को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। आज नवरात्रि का सातवां दिन है। आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज चंद्रा मिथुन राशि पैच, आज चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा है। आज आद्रा नक्षत्र है। आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा ये जानते हैं आज आप सभी का राशिफल। मेष राशि, आज के दिन स्वभाव और वाणी में सरलता बनाए रखना होगा क्योंकि यही आपकी पहचान है। वहीं दूसरी ओर अनजान व्यक्ति से बेवजह का मेल मिलाप ना बढ़ाएं। ऑफिशियल कार्यों पर पहले निगाह बनाकर रखें। लापरवाही आपको साजिश का शिकार बना सकती है। व्यापारियों को वर्तमान समय को देखते हुए जोखिम भरे संपत्ति में निवेश करने से बचना होगा। गर्भवती महिलाएं अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। मामूली समस्या होने पर भी अनदेखा करना मुश्किलों में डाल सकता है। युवा वर्ग छोटी छोटी बातों को दिल तक न ले जाए। परिवार के साथ कोई मनोरंजन वाला कार्य या गेम खेल सकते हैं। वृष राशि, आज के दिन जहां एक और कार्य पर निगाह रखनी है तो वहीं दूसरी ओर अन्य से सपोर्ट कुछ कम मिलेगा। यदि कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता है जिससे आपका जॉब प्रोफाइल बढ़े तो कर सकते हैं। पार्टनरशिप में व्यापार करने वाले लोग पार्टनर के साथ आपसे सामंजस्य बनाकर चलें। युवा और विद्यार्थियों को शारीरिक मानसिक रूप से दिन आराम करने वाला है। हेल्थ की बात करें तो रोगों के प्रति सचेत रहें। बेवजह की शंका दिमाग में ना पालें। बड़े खर्चों के चलते आपकी सेविंग्स टूट सकती है। हाथ खींच कर चलें। धार्मिक कार्यक्रम और विभाग से संबंधित नियंत्रण मिल सकता है। मिथुन राशि, आज के दिन कॉन्फिडेंस हाई रहेगा जिसके दम पर आप सभी कार्यों को कर पाने में सक्षम होंगे। बेवजह खर्चों को न्योता देने से बचना चाहिए। ग्रहों की स्थितियां छोटे छोटे कई खर्च कराने की फिराक में है। टारगेट बेस्ड कार्य करने वाले अधीनस्थों व सहकर्मियों के साथ कम्युनिकेशन बनाकर रखें। कीटनाशक दवाइयों का व्यापार करने वालों को लाभ होगा। युवा वर्ग बेवजह दूसरों के विवादों में बोलने से बचे, अन्यथा लेने या देने पड़ सकते हैं। सेहत को देखते हुए आज आपको तरल पदार्थों का सेवन अधिक करना चाहिए। वहीं बड़ी बहन यदि आपको कुछ तीखे वचन बोल देती है तो उनकी बातों का बुरा नहीं मानना है। कर्क राशि, आज के दिन किसी व्यक्ति के लिए मन में ऐसा और वैसा वैर ना रखें। दिमाग में कई प्रकार के प्रश्न और उलझन हो तो देवी से प्रार्थना करनी चाहिए। ऑफिस में सहयोगी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए और यही गुण आपकी कीर्ति में चार चांद लगाएगा। फील्ड वर्क में कार्य करने वालों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होंगे। व्यापारियों के रुके हुए काम में कुछ अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नसों में खिंचाव हो सकता है। कमजोरी, शारीरिक थकान भी रहने वाली है। घरों या ऑफिस कीमती वस्तुओं को संभाल कर रखें, नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। सिंह राशि, आज के दिन बड़ी सफलता हाथ लगने की संभावना है तो वहीं दूसरी ओर कमियों में भी अवसरों को ढूंढना चाहिए। जो लोग मार्केटिंग क्षेत्र में काम कर रहे हैं वह अब काम में तेजी लाएं क्योंकि टारगेट पूरे होंगे। दवा से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनके लिए दिन शुभ है। अपने कार्य के विस्तार पर भी ध्यान दें जिससे भविष्य में अच्छा मुनाफा कमा सके। दवाइयों के कारोबारियों को कानूनी दावपेच से बचकर रहने की सलाह है। स्वस्थ रहने के लिए आपको प्रसन्न रहना बेहद महत्वपूर्ण है। जिन लोगों को जन्मदिन है आज उनको परिवार की ओर से सरप्राइज मिल सकता है। कन्या राशि, आज के दिन भाग्य का साथ मिलेगा जो कि आजीविका के क्षेत्र में लाभ पहुंचाएगा। करियर में आपकी स्थिति को मजबूत हो रही है, इसी ओर ध्यान देते हुए कार्य गुणवत्ता पर अधिक ध्यान दें। संपर्कों को और मजबूत करना होगा ताकि आपके लिंक और बढ़ सके। यही लिंक भविष्य में आपके बहुत काम आने वाले हैं। व्यापार को बढ़ाने के लिए लोन लेने के लिए प्रयासरत हैं तो आज उस दिशा में कुछ काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य में डिहाइड्रेशन आपको परेशान कर सकता है। घर में किसी विवादित मामले में ना बोले। तुला राशि, आज के दिन बड़ों के साथ संसदीय भाषा में बात करना आपको मुश्किलों में डाल सकता है। उच्च अधिकारी के पास से कई ऐसे कार्यों की लिस्ट आ सकती है जो भी मुझसे करना पड़े और जिसको लेकर मन में खिन्न भी रहे। लोहे में प्लास्टिक से संबंधित व्यापारियों को अच्छा मुनाफा हाथ लगने की संभावना दिखाई दे रही है। जिन लोगों को पेट से संबंधित रोग है उनका समाधान डॉक्टर ने सिर्फ ऑपरेशन बताया है तो करवा लेना चाहिए। संतान के गलत व्यवहार पर उसे समझाएं और सही सीख दें। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाने की सलाह है। हो सकता है छोटी छोटी बातों पर दोनों के बीच असहमति बनी रहे। वृश्चिक राशि, आज के दिन आलस्य लक्ष्य से भटका सकता है इसलिए अभाव में रहते हुए प्रभाव को बढ़ाना होगा। ऑफिस में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के साथ वाद विवाद होने की आशंका है, ऐसे में अनावश्यक बातचीत से बचना चाहिए। कार्य में आपका मैनेजमेंट काफी अच्छा देखने को मिलेगा। होम अप्लायंसेस के व्यापारियों को लाभ मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। सेहत को देखते हुए खान पान में अधिक तला चिकना युक्त भोजन से बचे तो वहीं दूसरी ओर जो लोग वर्तमान समय में व्रत रख रहे हैं
उनको बहुत देर तक खाली पेट नहीं रहना चाहिए। पिता की मदद से आर्थिक संकट दूर होंगे, धार्मिक यात्रा की भूमिका बनेगी। धनु राशि, आज के दिन आपको सलाह दी जाती है कि अपनों के विरुद्ध जाने से बचे। बड़े निर्णयों में जल्दबाजी करने के बजाय वरिष्ठों से सलाह मशवरा कर लेना चाहिए। कार्य क्षेत्र में भी बेवजह का तनाव लेने से बचना चाहिए। पेचीदा कार्यों को कल के लिए टाल दें। जिन लोगों ने पहले कभी रियल स्टेट में पैसा लगाया था उन्हें मुनाफा मिल सकता है। वहीं पैतृक संपत्ति से लाभ की भी संभावना है। गिरकर चोट लगने की आशंका है। वाहन चलाते समय, ऊंचाई पर कार्य करते समय विशेष अलर्ट रहें। माँ या मातुल्य महिला को उपहार लाकर दें, उनका आशीर्वाद आपको लाभ दिलाएगा। आज के दिन कम्युनिकेशन को मजबूत करना होगा। जनसंपर्क या आपके नेटवर्क कमजोर पड़ रहे हों तो वर्तमान समय में सभी के साथ बातचीत करते रहें। ऑफिस में हो सकता है आज सीनियर अवकाश पर चले जाएं और उनका कार्यभार भी आपको संभालना पड़े, तो वहीं दूसरी ओर उच्च अधिकारी व बॉस आपकी विश्वसनीयता को चेक कर सकते हैं। व्यापार में नए बदलाव को लेकर आपके द्वारा लिए गए फैसले सही साबित होंगे। संगीत कला से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। सेहत में आज गठिया रोगियों को इससे सावधान रहना होगा। समस्या बढ़ाने की आशंका है। बड़े भाई की ओर से शुभ समाचार मिलने की भी संभावना है। कुंभ राशि, आज के दिन सभी समस्याओं को प्रभु के चरण में समर्पित कर दें। सरकारी विभाग में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिलने की संभावना है। प्रबंधन से संबंधित लोगों को कम मेहनत में ज़्यादा फल मिल सकता है। साथ ही कार्य में प्लानिंग की भी ज़रूरत है। हेल्थ में दांतों की समस्या हो तो डेंटिस्ट से सलाह अवश्य लें। तो वहीं दूसरी ओर हृदय रोगियों को खान पान पर अंकुश लगाना होगा। अत्यधिक सोच विचार से भी खुद को दूर रखें। नकारात्मक बातें लगातार परेशान कर रही हैं तो मित्रों के साथ गपशप करने से परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। मीन राशि, आज के दिन दिमाग में नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव आपको कुछ परेशान कर सकता है, जिसके फलस्वरूप सही और गलत की तुलना कर पाने में आप कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। ऑफिशियल स्थिति की बात की जाए तो थोड़ी मुश्किलें आ सकते हैं, क्योंकि काम करने की इच्छा तो है लेकिन कार्य कैसे पूरा किया इसके लिए दिमाग कुछ काम साथ देगा। व्यापारी वर्ग को पैसे के लेन देन कैश लेने के बजाय ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही करें। सेहत को देखते हुए आज धारदार चीज़ों से बच कर रहे, नुकसान पहुंच सकता है। छोटी से छोटी खुशियों परिवार के लोगों के साथ बांटना आपको प्रसन्नता से भर देगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।